एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड लाया है। 1370 रुपीज़ में हमें मिला है अमेजोन पे। पहले अच्छी बात क्या है, ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। अगर आप सोच रहे हो ना, आपको अंडर 1500 आपको मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए, पहले तो ऑप्शन बहुत कम है, लेकिन देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन अंडर 1500 जहाँ पे आपको मैकेनिकल कीबोर्ड, वो भी फुल्ली मैकेनिकल कीबोर्ड मिलता है, वो है HP की तरफ से आता है मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड GK320। ये इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। मैंने इसको पहले चलाया है ताकि मैं आपको क्लियरली बता पाऊँगा इज़ इट वर्थ फॉर बाइंग और नॉट। तो चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं अंदर में क्या क्या है इसको। सकते हो आराम से। इसमें इन्होंने पीछे से ये रेस्टर्स भी रखे हैं ताकि इसकी जो आप हाइट है आप इसको एडजस्ट कर पाओगे। देखें, ये इसको दोनों साइड से आप इसे हाइट बढ़ा सकते हो और आपको पेन नहीं होगी रिस्टर्स में, ताकि आप टाइपिंग गेमिंग आराम से खेल पाओगे। ठीक है, अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदने का क्या फ़ायदा है। देखिए, इसकी जो आवाज़ है ना, वो सेटिस्फेक्शन होती है। देखिए, जब हम कुछ भी टाइप करते हैं ना, हमें फील होता है अंदर से हम सेटिस्फाई होते हैं टाइपिंग से, तो इसलिए मैकेनिकल कीबोर्ड और इसकी जो कीज़ है ना, ये लॉन्ग टाइम, इनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड जो आते हैं मार्केट में, उनकी लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं होती, उनको हार्डली 1 ईयर निकलता है, तो इसकी जो लाइफ टाइम है वो है 15 मिलियन पर की स्ट्रोक है इसकी। तो इसका मतलब आपको, आप इसको आराम से 5 ईयर्स 10 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कैसे चलता है कीबोर्ड। इसको हम कनेक्ट करते हैं पहले। देखिए, इसमें लाइट्स आ रही है कनेक्ट करने के बाद। कीबोर्ड वैसे बहुत बढ़िया है, मुझे जेन्युइनली पसंद आया, क्योंकि आपको 1300-1400 में ऐसा कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड तो नहीं मिलने वाला है, देयर इज़ नो ऑप्शन। और इसका कोई कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो जो मैकेनिकल कीबोर्ड है वो बहुत महंगे आते हैं, 4500 में आते हैं। तो ये HP की तरफ से आपको आता है, ये भी 1 ईयर बिफोर, ये भी 2500 में आता है, लेकिन इसका कुछ आज ऑफर चल रहा है, तो आज अंडर 1500 में सबको मिल रहा है, तो मैंने भी आज ही इसको परचेस किया है। तो अगर मुझे इसको रेटिंग देनी होगी आउट ऑफ 10, इसको मैं रेटिंग 8 दूंगा। मुझे इसका बस ये डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि इसमें इन्होंने वो हैंड रेस्ट जो रिस्ट्रिक्टेड है ना, रेस्ट वो नहीं है इसमें। अगर वो भी होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता कि आपको कोई दिक्कत नहीं आती, ज़्यादा आप ऐसे इसको हैंड रख सकते, लेकिन चलो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंडर 1500। लेकिन ओवरऑल बेस्ट कीबोर्ड है गेमिंग के लिए,